नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। एसपी हरप्रीत कौर ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि समस्तीपुर और वैशाली पुलिस ने सीतामढ़ी में सेवानिवृत्त आर्मी जवान, महुआ में दो होमगार्ड जवान की हत्या और राजद नेता रघुवर राय की हत्या सहित विभिन्न घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। वही एसपी कौर ने बताया है कि इन सभी घटना को अंजाम देने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही शेष और अपराधी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो चुके हैं। इन सभी अपराधियों के पास से 38 पैकेट सोने के आभूषण के साथ 4 हथियार और 11 गोली बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा ये जो पूछताछ में हमने आपको बताया है कि वैशाली के दो केसेस का खुलासा किया है, होमगार्ड मर्डर केस और गिरौल में एलआईसी। इसके अलावा सीतामढ़ी में अगर आपको याद हो महसूल ओपी में एक सैप जवान की भी हत्या हुई थी, वो भी सुपारी किलिंग था, इसमें भी इन लोगों ने अपनी सिलिप्ता स्वीकार की है। तो इनके पास है टोटल 38 पैकेट 400 ग्राम सोना जो है, जो सोना लूट में प्रयुक्त पिस्टल था, एक देसी कट्टा वो बरामद हुआ है, 6 गोली मिला है। एलआईसी लूट में जो पल्सर बाइक उपयोग हुई थी वो बाइक भी वैशाली पुलिस के द्वारा जब्त की गई है और इनके पास एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 5 गोली है। होमगार्ड हत्या में जो लूटा गया बैग था वो बैग भी बरामद हुआ है और होमगार्ड हत्या में जो प्रयुक्त बाइक थी वो भी बरामद हुई है। ये महुआ थाना में आर्म्स एक्ट और मर्डर और लूट के केस में जेल में गया है, मुसरी गिरारी थाना में जेल में गया है। 392 में मुसरी गिरारी में ही 392 के दो केस में जेल गया, मुसरी गिरारी के 3 केस में जेल गया, एक आर्म्स एक्ट का, बाकी दो लूट के केस हैं। सराय रंजन में ये शराब के केस में जेल में गया है छोटू, और गरौल में जो ये 392 का, इसमें वॉन्टेड था ये जो भी बताया आपको एलआईसी वाला। राहुल जा का भी बहुत लंबा हिस्ट्री है, में ये शराब के केस में जेल में गया है, ताजपुर में लूट के केस में जेल में गया है, गुरौल में ये वांटेड था एलआईसी वाले में, कल्याणपुर थाना में ये जो बताया आपको इसमें वांटेड है, और नगर थाना में जो एलआईसी वाला लूट है उसमें, और सीतामढ़ी जो उसमें भी ये वांटेड था जो सैप की मर्डर। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के मोर इंग्लिस गांव में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस गांव में तेज गति से परिचालित हो रहे दो ट्रक की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दोनों ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में एक दलित महिला पर दबंगों का कहर टूट पड़ा है। महज मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर दलित महिला की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर अधमरा कर दिया। इस घटना में दलित महिला प्रतिमा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस बाबत मोकामा पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हाँ, बहुत हमने दोनों बात कर रहे हैं अपने में, अपने की दीदी, हम दोनों मिल के अपना सहूलत करके कर लीजिए, बस उतने में आ गया बस दी तो दबाल तो हटा कहिए जी। हमारा भाप 5 भैया कह देथिन से हम मान जीबे, जे कह दिला से मान गई, बस इतने में पटापट देना घर हेर के मारने लगा। एकंगर सराय थाना इलाके के एकंगर सराय चौक के समीप गश्ती के दौरान सड़क दुर्घटना में जहां एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, वहीं इस दुर्घटना में एक चालक ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर के परिजन एकंगर सराय पहुंचे और वहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया। मृतक इंस्पेक्टर अशोक पासवान शेखपुरा के अरियरी के रहने वाले थे, जबकि चालक वैशाली जिले का निवासी बताया जा रहा है। रात्रि गश्ती में कारण पुरुष लेके और गश्ती कर रहे थे और एकंगर सराय चौक पर जो है ना, चौक पर गश्ती के दरमियान आए और वहाँ पर कुछ पोस्ट था, उधर चौक से पश्चिम तरफ था और एक चौक से पूर्व तरफ एक चबूतरा है, वहीं पास में थे और एक गाड़ी आ रही थी पिकअप वैन ऐसा की तरफ से, तेजी से चला था, एक डहाना आ रही थी, दोनों इतना तेजी था कि चौक पर दोनों आपस में टकरा गया। बेगूसराय में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक कान में ईयरफोन लगाकर बातचीत करते हुए बाइक चला रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में पत्नी से वीडियो कॉल कर घटना की जानकारी दी। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा चौक NH 28 की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इनका जो है साला सप्ताह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ समझे, उसी को देखने के लिए ये आ रहे थे क्रियाक्रम में, उसी दौरान तेहरा हम सुन रहे हैं कि जो
बड़का ट्रक धक्का मार दिया और एक्सीडेंट में पूरा फ्रैक्चर हो गया। यहाँ लाया गया फिर ग्रामीण के द्वारा उठा के, तो यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट डेड बॉडी पाया गया। हम लोग अभी आ रहे हैं, मतलब इनके ससुराल बीरपुर से इनको देखने के लिए। शिकारपुर थाना के अजुआ सुगौली पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें फरसा कुदाल से मारकर निर्मला देवी को घायल कर दिया गया है, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वह इस मामले में 3 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। उधर बेगूसराय में केस नहीं खत्म करने पर बेटे ने बाप को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव की है। घायल की पत्नी ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व भी मोहम्मद शफीक ने उन पर गोली चलाई थी, जिसको लेकर मोहम्मद अब्बास द्वारा अपने बेटे मोहम्मद शफीक पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उसी केस को खत्म करवाने के लिए मोहम्मद शफीक ने अपने पिता को गोली मार दी। वही घायल मोहम्मद अब्बास का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। खाना उना खा के सुतल गली 11 बजे रात, 10-11 बजे जाए छी। सुतला के बाद में जो छे ना से नींद पड़ गई। एगो बीच में बच्चा रहे 4 साल का लड़का, आ दोनों मियाँ बीवी दोनों तरह सुत रहिए, नींद में सुत रहिए। नींद में सुतला के बाद में 12 बजे कंड कर लगे। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना के चौकीदार सराजूल देवान के साथ शराब कारोबारी ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रंजन कुमार नामक शराब कारोबारी चोरी की बाइक लेकर शराब ले जा रहा था, लेकिन तब तक चौकीदार को इसकी भनक लग गई। मौके पर पहुंच उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी माना नहीं और मारपीट पर उतारू हो गया। सनौला थाना अंतर्गत सनौला बस स्टैंड के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के निर्माणाधीन जर्जर उमगांव बेनीपट्टी मुख्य सड़क पर इन दिनों धूल उड़ने से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। सड़क निर्माण को लेकर जहां तहां रखे गए मिट्टी, बालू, गिट्टी व कंकड़ से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने विभाग के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जब से यह रोड बनना शुरू हुआ है, तोड़फाड़ किया है, उसे आज तक इस रोड पे पानी का छिड़काव नहीं किया है, जिससे यहाँ रहना जो अगल बगल के जो दुकानदार हैं और जो घर वाले लोग हैं उसको रहना दुभर हो गया है। इसलिए दुभर हो गया कि कोई भी बस जाता है ना, इतना गर्दा उड़ता है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसी के विरोध हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कि क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार JE को, AE को और SDO को हम लोग ने फ़ोन करके ये बताया था कि सर जल्दी से पानी छिड़काइए, कम से कम एक बार पर डे छिड़काइए, लेकिन यह जो ठेकेदार है तो आज तक इस पर कान पर जू नहीं जा रहा है। बेगूसराय में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के तेगड़ा NH-28 पेट्रोल पंप के निकट की है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। वही तेगड़ा DSP ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एक 20 वर्षीय विवाहिता का पाया गया। सूचना पड़ने पर अक्सर हम लोग आए हैं, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग। इस संदर्भ में अभी उनके परिजन नहीं पहुंचे हैं, उनके परिजन आने पर हम लोग इसकी तहकीकात करेंगे। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के बेतापरसा गांव में हाई टेंशन विद्युत की तार के चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। मृत युवक की पहचान बेतापरसा गांव निवासी मोहम्मद सद्दाम के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बेतापरसा चौक के समीप NH-104 सड़क को जाम कर बिजली विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। बिजली विभाग के लापरवाही से हो रहा है। मैं कई बार मीडिया के माध्यम से भी और प्रशासनिक माध्यम से भी आवेदन दे करके भी रिक्वेस्ट किए हैं बिजली विभाग को कि आप जा करके बेतापरसा पंचायत में बिजली को सुधार कीजिए। हर जगह गली गली में नंगा तार है, बांस बल्ली के सहारे बिजली जा रहा है। एक एक ट्रांसफार्मर पर एक एक हज़ार मतलब कंज्यूमर है। अब लो वोल्टेज के कारण कहीं परेशान है तो कहीं बांस बल्ली के सहारे परेशान है, कहीं कुछ है। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कवायद के बीच SSP पटना के सख्त निर्देश पर तमाम थानाध्यक्ष सड़कों पर उतर गए हैं। थानाध्यक्ष संजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक के पास एक देसी कट्टा बरामद किया है। इसके साथ ही उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
शिवहर के पुरनहिया थाने के बसंत पट्टी चौक स्थित प्रणव पेट्रोलियम से दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक कर्मी को गोली मार लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट के क्रम में नोजेल मैन संजीव कुमार यादव के पैर में गोली लगी है। वहीं करीब 50,000 रुपए कैश लूट लिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। अंदर काउंटर पर जाकर के अपना 50,000 रुपया जो और बिक्री का हमें सेल नहीं देखे हैं लेकिन उसमें से निकाल लिया है। दोनों डिब्बे ले लिया है। कई राउंड फायरिंग किया है? फायरिंग एक राउंड किया है जो पैर में लगा है। नोजल मैन को क्या नाम था? संजीव कुमार यादव। ये पुरनहिया थाना में जो बसंत पट्टी चौक से चिड़िया रोड की तरफ रास्ते जाती है इसमें एक प्रणव पेट्रोलियम है। वहाँ पर करीब 12 बजे ये सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी आए थे और वहाँ पर गोली चलाकर और नोजल मैन से और मैनेजर से पैसे की लूटपाट की है। इस घटना की सूचना पर वहाँ घटनास्थल का जायजा लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आया है कि जो नोजल मैन है उसको जमीन की तरफ एक जो गोली मारी गई जो उसके पैर में लगा है और उसके पास से लगभग 8-10,000 रुपये लिया गया और फिर जो पेट्रोल पंप पर मैनेजर था उससे पैसा छीना गया है। 3 अपराधी आए थे व्हाइट कलर की अपाची गाड़ी से और इनके कद काठी को जो बताया गया उसके आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया है और हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।